कोयटा के जरगून रोड पर होटल की कार पार्किंग में धमाका, चार अफराद जान बहक, 12 जख्मी हो गए। धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लग गई और होटल के शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक जान बहक अफराद होटल के गेट पर तैनात थे। जख्मियों में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कोयटा एजाज अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर जाफर आबाद बिलाल शबीर अहमद भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। डीआईजी कोयटा अजहर अक्रम के मुताबिक जाय बकुआ को सील कर दिया गया। धमाके के वक्त गैर मुल्की वफूद वापस जा चुके थे। तहकीकात में सब वाजे हो जाएगा। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। कोयटा सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिस। वजीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली।